इंडिया वर्सेस श्रीलंका वो मुकाबला जिसको लेकर लोग बोल रहे थे कि भैया ज्यादातर उम्मीद है कि एक साइड रहेगा। सबने सोचा था कि श्रीलंका जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखरेगी और गेंदबाजों की जमकर कुटाई की जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। पहले तो गेंदबाजी ने जो कमाल करके दिखाया, भारतीय बल्लेबाज यानी कि जो टॉप ऑर्डर जो बड़े बड़े नाम थे वो ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आए। फिर चाहे वो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट द किंग कोहली हो या फिर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या हो, इसके बाद बल्ले से भी कमाल दिखाया और इस तरह से श्रीलंका ने हारा मैच जरूर है लेकिन दिल जरूर जीत लिया है और इंडिया इसी जीत के साथ एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। मैं हूं असद, मेरे साथ में फारूक, चलिए बात करते हैं आज के मैच पर। तो फारूक बताइए थोड़ी डिटेल में क्या क्या हुआ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैच शुरू किस तरह से हुआ। तो शुरुआत में तो इंडिया काफी स्ट्रांग दिख रहा था, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ काफी स्ट्रांग दिख रहा था, वही शुभमन गिल वही रोहित शर्मा काफी अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद आते हैं नाइटमेयर बनकर वेले लागे। जैसे ही आते हैं अपना स्पेल स्टार्ट करते हैं, पहली बॉल पर ही शुभमन गिल को चलता कर देते हैं और उसके बाद उनकी कहानी खत्म नहीं होती है। 10 ओवर के स्पेल में 40 रन दे करके 5 बड़ी विकेट लेते हैं, पहला पंजा रहता है उनका और इस तरह से एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि श्रीलंका के पास एक बेहतरीन बॉलर आ गया है। लेकिन जब ये बॉलर सेकंड इनिंग में आता है तो ये बता देता है कि ये सिर्फ बॉलर नहीं है, ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी है। जी हाँ, पहली इनिंग में हर तरह से इंडिया को परेशान करा, सिर्फ अकेले वेले लागे ने नहीं, उनके साथ साथ आपको मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ, डिसिल्वा बैटिंग करने आए थे। हाँ, जी हाँ, बैटिंग करने श्रीलंका ने, क्योंकि दोनों ने परेशान किया। जी हाँ, आप बैटिंग कर रहे थे तो उन दोनों ने जो पार्टनरशिप दी वो बहुत शानदार थी। एक बार को ऐसा लगा मैं कहीं मैच हाथ से ना निकल, बिल्कुल बिल्कुल। वहीं जब बॉलिंग में चरित श्रीलंका जिस तरह से उनके साथ आए थे तो 4 विकेट उन्होंने लिए और एक थी क्षणा ने, यानी कि 10 के 10 विकेट स्पिनर लेके निकल गए। इससे पहले पाकिस्तान के पेसर 10 के 10 विकेट लेकर निकल गए थे। तो एशिया कप इंडिया के बैट्समैनों को ये खूब याद रहने वाला है। लेकिन याद रहने वाला है एक और नाम है दुनित वेलिलागे। 20 साल का लड़का अपना 13वां वनडे खेल रहा था, 18 विकेट उसके नाम है, इसमें से 5 इंडिया के बड़े नाम है। तो फारूक कुल मिला के ये आज का मैच कहीं ना कहीं कोई भी जीता कोई भी हारा इस एक लड़के के नाम रहने वाला है। बिल्कुल, और इसी वजह से इस लड़के को मैन ऑफ द मैच भी मिला है क्योंकि 42 रन की पारी खेली, 5 बड़े विकेट्स लिए 40 रन दे करके और मतलब वन मैन आर्मी की तरह इसने परफॉर्म करा है। हालांकि लूजिंग कॉज में रहा लेकिन फिर भी जिस तरह से बैटिंग करने जब आए थे श्रीलंका ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर थी जहां से हम ये समझ सकते थे कि बस 2-3 विकेट और गिरनी और मैच खत्म, वहां से उन्होंने संभाल लिया। जब बॉलिंग करने आए थे ऐसा लग रहा था एक बड़ा स्कोर आने वाला है, वहां से उन्होंने संभाल लिया। तो एक बड़ा नाम आज श्रीलंका क्रिकेट को मिला है, हालांकि मिला बहुत पहले है, लेकिन आज एक स्टेटमेंट दी है उसने कि आगे आने वाला उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। अंडर 19 जब वो खेल रहे थे तब उन्होंने 250 से ज्यादा रन बनाए थे और विकेट्स भी अच्छे खासे लिए थे, तो वहां पे एक स्टेटमेंट दी गई थी। लेकिन जो आप अंडर 19 में करते हैं वो वर्ल्ड क्रिकेट में करना कई बार काफी मुश्किल होता है, लेकिन वो दिखा दिया। लोग इन्हें मुथैया मुरलीधरन से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि श्रीलंका को एक और सनत जयसूर्या मिल गया है। एक वही उस स्टैचर के खिलाड़ी हैं, रन भी मारते हैं, बड़े शॉट भी मारते हैं और आप कहते हैं ना कि जब आपको एक टिकने वाला बल्लेबाज चाहिए तब वो टिकने वाली बल्लेबाजी भी करके देते हैं। विकेट नहीं मिल रहा था श्रीलंका का तो आते ही विकेट भी निकाल के दे दिए, 5-5 वो भी। और इकोनॉमी में बात करूं तो चरित श्रीलंका उनसे ज्यादा बेहतर रहे क्योंकि आप लेकिन कहते हैं ना उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी तो उसकी वजह से श्रीलंका छुप कहीं ना कहीं छुप गए। अगर फारूक इंडियन बॉलर्स की बात करें तो कुलदीप यादव पिक ऑफ द बॉलर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी इस बारे में हमने बात करी थी और कहा था कि कुलदीप के लिए काफी हेल्पफुल होगा क्योंकि आपको स्पिन मिल रहा है पिच पर और आपको पता है कि कुलदीप और जडेजा को जब स्पिन मिलने लगता है तो वो किस तरह से परेशान करते हैं। कुलदीप ने पिछले मैच में ही 5 विकेट ली थी, इस मैच में 4 विकेट, तो उन्होंने बता दिया कि कैसी फॉर्म में है वो। 2 मैच में 9 विकेट, 150 विकेट कंप्लीट कर लिया, भारत के दूसरे सबसे तेज 150 विकेट कंप्लीट करने वाले बॉलर बन गए हैं। पहले मोहम्मद शमी थे जिन्होंने 80 इनिंग में ये काम किया था और आपको 88 इनिंग में कुलदीप यादव ने 150 विकेट कंप्लीट कर ली है। तो ये जो फॉर्म इंडिया की वापस आई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इंडिया आपको एशिया कप में फाइनल में पहुंच गया है लेकिन इंडिया की जो नजर है वो वर्ल्ड कप पर बरकरार है क्योंकि जो फॉर्म का थोड़ा सा कंसर्न चल रहा था कहीं ना कहीं उससे थोड़ा रिलैक्स होगी टीम क्योंकि अब विराट कोहली अच्छे टच में है, रोहित शर्मा अच्छे टच में, शुभमन गिल लगातार अच्छे टच में है। आपको रोहित शर्मा के 10,000 रन पूरे हो चुके हैं, आपको रोहित शर्मा लगातार पिछले 3 मैच में हाफ सेंचुरीज आई हैं उनकी, तो जो टच हमें बैटर्स का दिख रहा है। और वही बुमराह की बात करूं, स्टार्टिंग के वो स्पेल इन स्विंग आउट स्विंग लगातार सिराज अपनी बॉल से परेशान करते हुए दिख रहे हैं, तो ये जो ओवरऑल पैकेज हमें इंडियन टीम का दिख रहा है ये देख करके टीम और मैनेजमेंट काफी खुश होगा। कुल मिला के वर्ल्ड कप की एक टीम लगभग तैयार है जो वर्ल्ड कप खेलने जाने वाली है।
एशिया कप के फाइनल में खैर एक बड़ी चीज होने वाली है कि आप किससे भिड़ेंगे, क्योंकि उससे पहले आपका एक मैच बांग्लादेश के साथ भी है और श्रीलंका और पाकिस्तान पे अब कहानी फंस गई है। कुल मिला के अगला मैच इन दोनों का है, जो जीतेगा वो इंडिया के साथ फाइनल खेलेगा, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। और दो सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूँ, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी टीम होगी जो इंडिया के साथ फाइनल खेलेगी, और दूसरा सवाल ये कि जो आखिरी मैच इंडिया बांग्लादेश के साथ खेलेगा क्या उसमें सूर्य कुमार यादव मोहम्मद शमी को मौका देना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।